मैं इसमें आप इनका घर गए हैं? हम उधर से आ रहे हैं। नहीं आप इनका घर गए हैं? खबर लगा है। कौन बताया? जैसे आप बोल रहे हैं बहुत दूर हैं। देखिए मेरे पास सुने, जो यहाँ राजनीति हो रहा है हमको गांव वाला से पूछ लेने दीजिए साहब, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब तक सच्चाई गांव के लोग बताएंगे और इसके बाद हमें मजा आएगा आपसे बात करने में। क्या लगभग 8 से 10? क्या नाम है आपका? 8 से 10। आपका नाम क्या? उसका नाम से छोड़िए ना, आप बोलो ना नाम क्या, नाम बताओ ना। ये जो हम बता रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग गाँव के हैं? अच्छा बोल कहा नहीं रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है बोल कहा नहीं रहा। वो यही इन लोग का चुप्पी की वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा दंगा फसाद या कुछ भी हो रहा है। तो खाली सिर्फ यहाँ का स्थानीय लोगों से, अगर यहाँ के लोग अगर जिस दिन सच्चाई बोल देगा यहाँ कर जो है सारा के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। अगर एक एक आदमी अगर सच्चाई बता देगा जिस दिन यहाँ पर कितना क्या है तो बात जो है सच्चाई आ जाएगा। लेकिन कोई भी मुंह खोलने का नाम ले रहा है और कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो दंगा कराने के लिए नाम ले रहे। कौन है? आप देख पा रहे होंगे जिस जगह पर अभी मौजूद है ये वही जगह है जहाँ पर दलित लोगों का घर जो है बताया जा रहा है और इसमें लगभग काफी लोगों का लोग बता रहे हैं जहाँ पर आवास था उन लोग यहाँ पर रह रहे थे। और ये काफी जो जमीन आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ घर बना हुआ था और यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं इसे गिराने का नाम ले रहे हैं। हालांकि इसका क्या मामला है हम लोग पहुँच चुके हैं और इसकी सच्चाई इसकी तह तक हम लोग जाएंगे और इसकी एक एक चीज़ का पुर्जा हम लोग आज दिखाएंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, जो है अधिकारियों लोगों का लाइन लगी है। इसके अलावा जितना भी राजनेता लोग हैं नेता लोगों का भी लाइन लगा हुआ है। इसमें जो है कहीं ना कहीं गलत तरीका से लोग देख रहे हैं। अगर इसको न्याय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक राजनीतिक अगर आप हटा देंगे तो ही न्याय मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। ये हालांकि आप सारी ज़मीन देख पा रहे होंगे, कुछ हम आपको वो जगह हम दिखा रहे हैं जहां पर जो दलित समाज के लोग हैं जो मुछहर समाज के लोग रहते थे उनका जो है ये आवास है और कहाँ पर किया था। हालांकि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर एक आपको पत्थर दिख रहा होगा, वो पत्थर जो है कहीं ना कहीं शिवलिंग का नाम आ रहा है, यहाँ पर शिवलिंग था। हालांकि देखने के साथ अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है ये सचमुच में शिवलिंग था या नहीं था। हालांकि जो भी वीडियो आप देख पा रहे होंगे किस हिसाब से है, शिवलिंग का आकार क्या होता है और ये इसका आकार क्या है। हालांकि इसको लोग जो है धर्म के हिसाब से लोग जोड़ रहे हैं और इसमें जो है हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर दंगा कराना चाह रहे हैं। अगर इस कदर अगर यहाँ पर होता रहेगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मामला ये तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ये जो आप पत्थर मिट्टी जो देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं इन लोगों का घर बना हुआ था और बात सामने में ऐसा आ रहा है तो इन लोगों का घर जो है उजाड़ दिया गया, यहाँ से खदेड़ दिया गया। हालांकि फिलहाल जो है मुसर जो समाज के लोग हैं, जो दलित के समाज के लोग हैं, जो पांडू का जो थाना है जो पुराना बिल्डिंग है वहाँ पर उन लोग अभी रह रहे हैं, उन लोगों का सुरक्षित रखा गया है प्रशासन द्वारा और उन लोगों का रहन सहन खान पान सारा चीज़ जो है प्रशासन की अंडर में है। सबसे ख़ास बात हम आपको एक पौधा दिखाएंगे और बहुत ही ख़ास पौधा है ये। ऐसे ऐसे हमारे झारखंड में पौधे लगभग आपको बहुत जगह मिलने को मिल जाएगा। इस पौधा का नाम है गंजा, ये गंजा पौधा है और इसको सामने में उगाया है। ये काफ़ी हालांकि लंबा होगा लेकिन अभी इसको काट दिया गया है, ये अभी जो है खुट्टी दिख रहा होगा लेकिन इसे ये अंदाज़ा लगा। अच्छा ये क्या चीज़ का, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या चीज़ का पौधा? नहीं नहीं हम क्या चीज़ का पौधा? गांजा। इधर देखिए गांजा, क्या चीज़ का पौधा है? गांजा है, ये सामने दिखने वाला चीज़ है तो गांजा है ना? गांजा है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पौधा लगाया हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो जो प्रशासन है यहाँ पर, ये मेन रोड है, आप देख पा रहे होंगे जो गाड़ी जहाँ पर लगी हुई है ये चकाचक और फर्स्ट क्लास का रोड है। यहाँ पर लगभग देख रहे हैं आला अधिकारी के अलावा यहाँ का स्थानीय प्रशासन लोग भी आते होंगे और इस पर नज़र नहीं पड़ रही होगी, इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और सामने में यहाँ पर लोग जो हैं एक मंदिर का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर मंदिर है। इसके साथ साथ काफ़ी लोग जो हैं समाजसेवी लोग जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं, समाजसेवी लोग और इसी दलित समाज के लोग जो हैं आए हुए हैं। अब इनका ये जाँच के दौरान क्या इन्होंने देखा और क्या इन्होंने पाया, हालांकि इस पर मेरा सवाल रहेगा। और सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर जो कुछ लोग जो यहाँ पर रह रहे थे दलित समाज के लोग, उन्हें जो है यहाँ के समुदाय लोग द्वारा जो है उजाड़ने की बात आ रही है। कैसे हैं? स्वागत है। स्वागत तो नहीं है, दुखी है। सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा, आप लोग ने काफ़ी दूर से आए यहाँ पर घूमे, जगह देखे, आप लोग ने जगह जगह पर देखा, क्या कुछ पाया अभी तक?
देखिए यहाँ जो 10-12 घर जो है, हमारा जो रिपोर्टिंग है, हमारा जो समाज के लोग, हम लोग पूरे समाज के लोग आ जाए, जो महादलित समाज के जितने भी दिख रहा ना, पूरे समाज के लोग आज हम लोग आए हैं विजिट करने। अच्छा, अभी देखने बाद आपको क्या लग रहा है 10-15 लोगों का यहाँ पर आवास होगा, घर होगा? हाँ, कम से कम पहले 60-70 परिवार को उजाड़ा दी उजाड़ गया जी। लेकिन घर कितना लगभग अंदाजा लगा सकते हैं? 12-13 घर का उजाड़ दिया गया है। 12-13 घर का, जैसा कि सर बता रहे 12-13 घर यहाँ पर, इमामबाड़ा उस पार है, रोड उस पार है। बात कर रहे हैं 10-12 लोगों का घर है, जनसंख्या अगर लगभग बात करें तो 50-60 की संख्या में आ रही है। लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है जो हम लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर रहते थे, लगभग कुछ लोग गाँव के कुछ लोग। अच्छा, कितना संख्या था गाँव के कुछ लोग हैं? किधर हैं आप लोग, गांव के हैं क्या? अच्छा, यहाँ पर कितना लोग का बयान आ रहा है, जैसे दलित समाज के जो लोग हैं उन लोग द्वारा क्या बयान आ रहा है? उन लोग द्वारा मालूम नहीं क्या बताते हैं, गांव के लोग, गांव के हैं? नहीं, गांव के नहीं हैं, हम जिला उपाध्यक्ष हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हमको गांव से रिपोर्ट एक बार ले लेंगे, इसके बाद रिपोर्ट लिए हैं। गांव के कौन है यहाँ पर गांव के? अच्छा, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, गांव के हैं? अच्छा, बोल कहे नहीं रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोल कहे नहीं रहा। वो यही इन लोग का चुप्पी की वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा दंगा फसाद या कुछ भी हो रहा है, तो खाली सिर्फ यहाँ का स्थानीय लोगों से। अगर यहाँ के लोग अगर जिस दिन सच्चाई बोल देगा, यहाँ आकर जो है सारा के सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। अगर एक एक आदमी अगर सच्चाई बता देगा जिस दिन यहाँ पर कितना क्या है, तो बात जो है सच्चाई आ जाएगा। लेकिन कोई भी मुंह खोलने का नाम ले रहा है, और कहीं ना कहीं यही लोग हैं जो दंगा कराने के लिए नाम ले रहे। कौन है गाँव के लोग, क्या क्या आप लोग ने यहाँ पर देखा? यहाँ पर देखे सर, ज्यादा से ज्यादा मैंने 3-4 घर था। 3-4 घर थे जी? हाँ, मिट्टी के 2 घर था, ठीक है, बाकी झोपड़ी लगा हुआ था 2-3 गो, ठीक है, इससे ज्यादा घर नहीं था। हाँ, और यहाँ पर ज्यादा संख्या ना था, कोई झोपड़ी में 3 गो, कोई झोपड़ी में 4 गो, टोटल 60-65 लोग थे। ये सब गलत बात है, इस बात आपके पास। देखिए अंसारी साहब, एक मिनट हम आते हैं ना, बोलने दीजिए। हाँ, इससे गलत मत, जो भी जी मैं सच भी बयान दे रहा हूँ, मैं झूठ। अच्छा, आपका घर कहीं इधर ही है ना? उधर अंदर में, बहुत दूर में। मैं इसमें, आप इनका घर गए हैं? हम उधर से आ रहे हैं। नहीं, आप इनका घर गए हैं? खबर लगा है। कौन बताया? जैसे आप बोल रहे हैं बहुत दूर हैं। देखिए मेरे पास जो यहाँ राजनीति हो रहा है, हमको गांव वाला से पूछ लेने दीजिए साहब, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब तक सच्चाई गांव के लोग बताएंगे, और इसके बाद हमें मजा आएगा आपसे बात करने में। क्या जब तक सच्चाई नहीं आएगा तो हम आपसे सवाल क्या करेंगे? हाँ बताइए, क्या बता रहे? तो यहाँ पर मतलब मुस्लिम समाज लोग आती है, मुस्लिम समाज लोग यहाँ पर जो मुसलमान लोग थे, उन लोग से बोले कि भैया जब तक जमीन खाली था आप लोग यहाँ पर रुके हुए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम ये आप कहानी बाद बताइएगा, ये आए कैसे ये बताइए? ये लोग आए थे इधर में, गोवा का एक लकड़ी फाड़ना था जी, वो लोग आए यहाँ पे लकड़ी। कौन लाए थे, कौन गोवा फरवा रहे थे लकड़ी? अभी मालूम नहीं है, मगर उन लोग से हम लोग बात। आप इस गांव के, आपको मालूम नहीं है आप इस गांव के हैं, कौन लकड़ी के लिए लाए है उसको मालूम नहीं है आपको? मालूम नहीं है। तो मालूम चला यही कि मतलब उन लोग लकड़ी फाड़ने आए थे, वो बोले कि हम लोग 2 दिन मतलब लकड़ी फाड़ के हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हाँ। तो 2-4 दिन ऐसी करते करते मतलब वो लोग लास्ट में फिर बोले कि हम लोग नहीं जाएंगे, मेरा जमीन है। तो हम बोले कि ठीक है, आप लोग यहाँ पर अभी जमीन खाली है, आप लोग रहिए, कि ये मदरसा का जमीन है। तो बोले कि ठीक है, जिस दिन आप लोग को मदरसा बनाना होगा हम लोग खाली कर देंगे। तो जब हम लोग ऊपर से आदेश आया कि भैया, कितना दिन से यहाँ पर थे? ये लगभग 1.5 या 2 साल, 1.5 से 2 साल थे। लकड़ी कितना दिन तक फटल था? लकड़ी ज्यादा दिन नहीं, तो शुरू है 2-4 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन। इसके बाद आप लोग क्यों ने भगाए? भगा रहे थे सर, तो 10 दिन के अंदर क्या भगाया? 1.5 साल के बाद कर रहे हैं, तो ये राजनीति का मूड क्यों ले रहे हैं आप लोग? ही ना कर रहे हैं, भगा रहे थे सर। वो लोग बोले कि अब हम लोग नहीं हटेंगे, ये मेरा जमीन है। तो उसी समय आप लोग एक्शन लेते जी? 2 साल के बाद एक्शन क्यों ले रहे हैं? तो 2 साल के बाद नहीं, हम लोग उसी समय से भगा रहे थे। वो लोग बोले कि अभी हम लोग नहीं हटेंगे, अभी ये मेरा जमीन है, हम लोग अब नहीं हटेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग कानूनी प्रकार में लगे हुए थे। अच्छा, कानून प्रक्रिया में आप लोग गए जी? गए। आवेदन कभी थाना में दिए? कोर्ट में भी गए? क्या उन लोग का आश्वासन? वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग इसका कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे करते करते फिर हम लोग का मदरसा बनाने का दबाव आने लगा कि आप लोग मदरसा बनाइए, नहीं तो फिर आपका जमीन चला जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं जी, यहाँ पर शिवलिंग था, पत्थर जो दिख रहा है, क्या सच्चाई है? जी नहीं था। क्या सच्चाई नहीं है? ये सब झूठ गलत बात है। और ये सामने में एक गांजा का पेड़ दिख रहा है जी। क्या ये है गांजा का पेड़? कब से? उन लोग लगाए, उन लोग से लगाया है जी, उन्हीं लोग लगाए थे। और गांव के लोग हैं? गांव के हैं जी। क्या है यहाँ पर मंदिर था? नहीं था सर। हाँ, कोई मंदिर था? नहीं। मंदिर कहाँ से आ रहा है? कौन बोला सर मंदिर है? मंदिर जो आ रहा है लोग बता रहे हैं सर, मानते हैं मंदिर है कहाँ? पहले मंदिर नहीं था, कौन बोल रहा है मंदिर है? 12 साल से यहाँ के लोग बसे हुए हैं। आइए, समाज सेवी लोग हैं और इसी का
अच्छा ये बताया जाए, ये बताया जाए आप अपना काम करो यहाँ पर, आपने हम लोग आए हैं, आप लोग ने यहाँ पर काम करो, क्या अभी तक आपका ये हमारा समाज के लोग आज जाके वहाँ पड़ा हुआ 60-70 मैंने व्यक्ति गिनती करके आओ, अभी थाना में रखा हुआ है, पूरा परिवार है और पूरा अखिल भारतीय भूया समाज ने आज इसका हम लोग इसका पूरा जायजा करने हम लोग आए हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगा, इनको नहीं बसाया जाएगा तो पूरे झारखंड में इसका आग लगेगा, ये दुलाल भूया बोल रहा, और नहीं तो पूरे प्रदेश में इसका आंदोलन होगा। जिस समय आप आए इसका कुछ भी डॉक्यूमेंट या कागजात या कब से कितना रहने आप सुनिए ना, आप इस तरह का मैंने प्रेस रिपोर्टिंग करिए, जो जो साक्षात वहाँ पर ही उजड़ा हुआ व्यक्ति है अब उसका लीजिए, चलिए मेरे साथ, हम लोग ले लेंगे वहाँ, तो हम लोग ले लेंगे, चलिए हमारे साथ। जैसे जो मेरा सवाल ये सवाल इस तरह से दिग्भ्रमित मत कराइए, जो उजड़ा हुआ, जो सुनिए मेरी बात, मेरे जो उजड़ा हुआ, जो पीड़ित लोग हैं जिनका घर तोड़ा गया, 10-12 लोगों का घर को उजाड़ दिया गया, क्यों उजाड़ेगा, उसको कौन परमिशन दिया, कोर्ट या जिला प्रशासन या SDO कौन दिया है इनको परमिशन, यहाँ के जो समुदाय के लोग हैं उन लोग बता रहे हैं उस पार, सुनिए मेरी बात, इमामबाड़ा उस पार लगा हुआ है और इस पार बेचारे गरीब बसा हुआ है, इसको उजाड़ने का लिए जिला प्रशासन आदेश देगा कि उजाड़ा जाए कि अपने हाथ में कानून ले लेगा। यहाँ के जो लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, ये लोग बता रहे हैं हम लोग ने शरण दिया था, आप पूछते रहिए, हम लोग ने शरण दिया था, हम लोग भी बहुत लोगों को, चलिए पीड़ित लोग से पूछेंगे, अभी हम लोग तो वहाँ जा रहे हैं, पीड़ित लोग से बात करेंगे, पूछिए वो सही है, लेकिन आप लोग यहाँ जब देखे तो क्या कुछ यहाँ पर आप लोग ने नोटिस किया कि जितना कच्चा मकान है, कच्चा मकान देख लो सब उजाड़ दिया, सामान तक नहीं है, सामान को भी लूट लिया, मलवा भी गायब है, सब दो घर है, ये सब टेक्नोलॉजी का काम कर रहा है, दो घर है, 60-70 आदमी है, 60-70 आदमी दो घर में रहेगा। अच्छा एक घर जो है देखा जा सकता है, अगर 60-70 घर रहेगा तुम लोग को उजाड़ने के लिए, जो 60-70 परिवार लगभग 8-10, क्या नाम है आपका, 8-10 घर, आपका नाम क्या, उसका नाम से छोड़िए ना, आप बोलो ना नाम क्या, नाम बताओ ना, ये जो हम बता रहे हैं, पहले आप नाम बताइए, हम बता रहे हैं 10-12 जो है, बताइए क्या 10 इस तरह दलित विरोधी बात कर रहे हैं, नहीं दलित विरोधी, मेरा जो सवाल है यहाँ पर 10-12 घर था, आप प्रेस रिपोर्टर है स्वच्छ चलिए, नहीं वही हम सवाल कर रहे हैं, 10-12 घर है, 10-12 घर है, जो इस तरह का जो परिवार को उजाड़ा है उसको सजा मिलना चाहिए। आगे क्या होगा सर, आगे क्या होगा? आगे तो हम आंदोलन करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो उसको नहीं आए, हम गवर्नर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, हम यह धरना में बैठेंगे, कहाँ है खेला तो अब होगा। हालांकि यहाँ पर जो है समाज सेवी से लेकर राजनीतिक स्तर से लेकर और अधिकारी से लेकर सारे लोग आ रहे हैं।